रामबाग ओल्डेस्ट मुगल गार्डन है। ये गार्डन पहले आरामबाग के नाम से जाना जाता था। फर्स्ट मुगल एम्परर बाबर ने यह गार्डन रिलैक्सेशन के पर्पस के लिए बनाया था। ताजमहल से यह लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप रामबाग आते हैं तो इस जगह बैठ के 15-20 मिनट जरूर इंजॉय करना। यहाँ बैठेंगे तो नीचे आपको यमुना नदी दिखाई देगी। हवा काफ़ी तेज चल रही है। इनफैक्ट यहाँ बैठ के हवा का जो एहसास है वही अपने आप में बड़ा प्लेजेंट एक्सपीरियंस दे रहा है। उस साइड ग्रीनरी है, गार्डन्स हैं, यहाँ पर एक छोटा सा जगह बनी हुई है और नीचे यमुना नदी है। ये हमारे ड्राइवर हैं गाड़ी के, ये भाई साहब ने मेरे को यहाँ पर लेकर आए हैं चाट गली सदर बाजार के बैक साइड में ओम भोजनालय पे। तो इनका कहना है कि काफ़ी गुड फूड है यहाँ पर, थाली आप इंजॉय करोगे। तो मैं थाली खाने जा रहा हूँ। बाकी मैंने आज सुबह से लेके अभी 4 बज चुके हैं, अभी तक इनको कैमरा ऑपरेट करना सिखा दिया है। कैमरा सीख लिया, ग्रेट। काफ़ी पावर पैक थाली है। इसमें मेरे को इन्होंने दिया आलू की सब्जी, अरहर की दाल, पनीर, कड़ी, सैलड, बूंदी रायता और खीर, साथ में रोटी, पापड़ और राइस, ग्रेट। वेरी नाइस, फर्स्ट बाइट ऑफ पनीर दाल, एक्सीलेंट। ये दाल खाने से मेरे को क्या लग रहा है कि इन्होंने ना जैसे किसी का गला ख़राब हो तो उसमें अदरक वगैरह डाल देते हैं, तो वो चीज़ थोड़ी सी मेरे को ज़्यादा लग रही है। लेकिन वैसे भी कल रात से मेरे को ज़ुकाम हो गया है, तो आई थिंक आई विल फील बेटर सम हाउ। मेरे को ऐसा लग रहा है कि तंदूर की रोटी ना होकर अगर तवा चपाती साथ मिल जाती तो मेरे लिए बेटर होता, क्योंकि बहुत बार क्या होता है बाहर खा के ना यू फील लाइक हैविंग तवा चपाती इंस्टेड ऑफ तंदूर रोटी। बट लीविंग दैट एस्पेक्ट, रेस्ट एवरीथिंग इज टर्निंग आउट टू बी वेरी गुड। वैसे मेरी फेवरेट डिश आउट ऑफ ऑल दिस इज कड़ी, जो मैंने अभी तक टेस्ट नहीं करी है। एकदम डिफरेंट डिश है। इस तरह की कड़ी हमारे घर में नहीं बनती, ना मैं इनको दिल्ली में जनरली बाहर मिलती है। अब क्वाइट ऑब्वियस है हर शहर में हर चीज़ को बनाने का फ्लेवर अलग होता है। मिस्सी रोटी, अच्छा पहली बोली थी तंदूर की नॉर्मल रोटी दी थी, तो ये मिस्सी कैसे? पहली रोटी मिली तंदूर की नॉर्मल, अब मिली है बेसन की मिस्सी रोटी, करेक्ट। इंटरेस्टिंग है, थैंक यू। क्या बात है, अमेजिंग टेस्ट। वैसे मैं सोच ही रहा था कि आज तंदूर की रोटी की जगह मैं बेसन की खा लेता, लेकिन लाइक ब्लेसिंग इन, मैंने सोचा ही नहीं था कि अगले राउंड में ये लोग ऐसे दे देंगे। इनफैक्ट अब मेरे को याद आ रहा है मेन्यू कार्ड में कुछ ऐसा लिखा था, मैंने थोड़ा जल्दबाजी में ऑर्डर दे दिया थाली का। वैसे अभी तक कड़ी मेरी ख़त्म हो चुकी है। अदर थिंग इज़ कि मैं हैरान हूँ देखकर कि बिना प्याज और बिना लहसुन के इस्तेमाल के इन्होंने इतना टेस्टी सारी डिशेस बना दी हैं, वर्थ द प्रेज। थाली मेरी कंप्लीट मैंने खा ली है, अब खीर का टाइम है। अगर आप आगरा आते हैं और आप ओम भोजनालय आ ही जाते हैं तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आप मिस्सी रोटी ज़रूर खाना, तंदूर रोटी आप खाओ ना खाओ, क्योंकि मिस्सी रोटी थम्स अप है एकदम। लेट मी नाउ हैव माय फेवरेट खीर। ये एवरेज है, दिल्ली में मैंने इसे बेहतर खीर बहुत जगह खाई है, बट ये अगर एवरेज है तो ये अबव एवरेज है। इनफैक्ट एक्सीलेंट है, दिस थिंग इज एवरेज। मेरी एक्सपेक्टेशन खीर से काफ़ी ज़्यादा थी। अच्छा, आप अगर आगरा आते हो तो लंच के लिए यहाँ पर आ सकते हो। जैसे मैंने बाहर बताया कि ये सदर में है और सदर आगरा ताजमहल से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, तो कोई भी आपको ऑटो वाला इजीली यहाँ पर ले आएगा। हम यहाँ ताजमहल घूमने आए हैं आज, यहाँ पे खाना खाने आ गए। कितनी बात है, वेरी गुड प्लेस ओम होटल। इस समय मैं रावतपाड़ा में हूँ
यहाँ पर मसालों की रिटेल और होलसेल दोनों होती है। साबुत और पिसे दोनों तरह के यहाँ पर मसाले मिलते हैं। यहाँ पर सेठ गली, रावतपाड़ा, मानकेश्वर टेम्पल तीनों एक ही विसिनिटी में है। आगरा फोर्ट स्टेशन से ये जगह हार्डली 200 मीटर के डिस्टेंस पर है। मुझे किसी ने बोला कि अगर आप नॉनवेज खाना चाहते हो आगरा के अंदर तो नाई की मंडी जाओ, यहाँ नॉनवेज के काफ़ी जॉइंट्स हैं। तो अभी रात के बज रहे हैं 9:15 और मैं आ रहा हूँ नाई की मंडी। यहाँ पर सुनने में आया 10-12 नॉनवेज के जॉइंट्स हैं, तो नॉनवेज ट्राई करते हैं यहाँ का। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, आगरा कैंट स्टेशन से ये जगह लगभग 5-6 किलोमीटर दूर है, तो यहीं चलते हैं फर्स्ट शॉप। मैंने यहाँ पे टेबल्स पे नज़र मार कर देखी अभी कि लोग क्या खा रहे हैं, तो मैक्सिमम टेबल पे मेरे को बिरयानी दिखाई दी, तो ज़्यादा बिना कुछ ज़्यादा सोचे हुए मैंने अपने लिए क्वार्टर बिरयानी ऑर्डर करी है। यहाँ पर क्या है, हाफ प्लेट या फुल प्लेट में ही देते हैं, वजन के हिसाब से देते हैं। आपको 1 किलो बिरयानी चाहिए, हाफ चाहिए, क्वार्टर चाहिए, तो ये मैं क्वार्टर बिरयानी खा रहा हूँ। बहुत बढ़िया, अभी तो मैंने बिरयानी में राइस पार्ट की बाइट ली है। इसमें इन्होंने ऐसा लग रहा है मेरे को मीठे के लिए कुछ किशमिश जैसा चीज़ डाली हुई है, जिससे थोड़ा मीठा सा फ्लेवर भी बिरयानी के अंदर आ रहा है। चिकन भी सॉफ्ट है, बिरयानी के अंदर बढ़िया फ्लेवर आ रहा है चिकन का। मेरे को आज लाइट डिनर करना था इसलिए मैंने क्वार्टर मंगाया, प्लस मैं एक बार सोच रहा था कि एक बार टेस्ट भी ट्राई कर लूँ नई जगह का। आगरा में रहने के लिए काफ़ी सारे होटल्स हैं। मैं रुका हूँ होटल ग्रैंड में, जो आगरा कैंट स्टेशन से 0.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। बाकी सब कुछ तो यहाँ पर सही है, सामने गार्डन है, पीसफुल एरिया है, सर्विस अच्छी है। मील्स मैंने यहाँ पे ट्राई नहीं किया क्योंकि मेरे तीनों मील्स आउट ऑफ होटल रहे हैं। आज मुझे 4 दिन हो गए यहाँ पे रहते हुए, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट बुकिंग नहीं करवाई, मेक माई ट्रिप के थ्रू बुकिंग कराई, तो वहाँ पर मेरे को थोड़ा डील बेटर मिल गई। GST मिला के कुछ 2100 रुपीज़ पर डे मुझे कॉस्ट किया। रूम्स भी साफ़ हैं। सिर्फ एक चीज़ नेगेटिव लगी मुझे यहाँ पर कि पानी खारा है, पीने का पानी नहीं, पीने का तो ये RO देते हैं, लेकिन नहाने का पानी जो बाथरूम में आता है वो खारा है, तो इस वजह से नहाने के बाद फ्रेशनेस नहीं आती। मैंने कुछ लोगों से इसके बारे में पता लगाया तो मुझे बताया गया कि आगरा में कुछ जगह पानी खारा है। रेस्ट एवरीथिंग इज़ फाइन अबाउट दिस प्लेस। 0.5 किलोमीटर है ये जगह आगरा कैंट स्टेशन से, ट्रैवलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सूट करती है। इस समय मैं मनकामेश्वर मंदिर के बाहर खड़ा हूँ। यहाँ पर भगवान शिव ने द्वापर युग में शिवलिंग की स्थापना खुद की थी। आगरा में ये मंदिर स्थित है एंशियंट टाइम से। मैं अंदर जाके मत्था टेकता हूँ, मंदिर के दर्शन करता हूँ और महंत जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें मंदिर की हिस्ट्री के बारे में ज़रूर कुछ बताएं। आगरा शहर में स्थित मनकामेश्वर मंदिर का इतिहास अपने आप में अद्भुत है, और सबसे प्रमुख बात कि भगवान शंकर यहाँ जब दर्शन करने आए तो उस समय यहाँ पर उन्होंने रात्रि विश्राम लिया, और रात्रि विश्राम करके भगवान शंकर वृंदावन स्थित गोकुल में पहुँचे। वहाँ यशोदा माँ ने उनको बड़े प्रेम से दर्शन कराया। वहाँ से जब लौटे तो उन्होंने अपने हाथ से एक शिवलिंग की स्थापना की। वही शिवलिंग वर्तमान समय में श्री मनकामेश्वर मठ मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसकी पूजा सेवा अर्चना श्रृंगार सेवाएं अद्भुत हैं, जो कि चौघड़िया के मुहूर्त के अनुसार 8 पहर की 8 पूजाएं होती हैं, और भगवान शंकर का ये दरबार अपनी पूजा अर्चना और श्रृंगार के माध्यम से पूरे विश्व में जाना जाता है। यहाँ जो श्रृंगार सेवा होती है, ऐसी श्रृंगार सेवा पूरे विश्व में कहीं नहीं होती है। भगवान शंकर का यह दरबार आगरा में श्री मनकामेश्वर मठ मंदिर के नाम से स्थित है। गुरु का ताल गुरुद्वारा आगरा कैंट से 11 किलोमीटर की दूरी पर है। मुझे यहाँ पहुंचने में लगभग 45 मिनट लगे हैं। इस गुरुद्वारे की खास बात है कि यहाँ पर 9 सिख गुरु तेग बहादुर जी ने मुगल एम्परर औरंगजेब को वॉलंटरी अरेस्ट दिया था। आगरा का पानी खारा है, लेकिन गुरु के आशीर्वाद से इस जगह का पानी मीठा है। अगर आप आगरा आएं तो यहाँ जरूर आएं और लंगर करें। यहाँ लंगर 24 घंटे चलता है। इस समय रात को 10:30 बजे का टाइम है। मैं खड़ा हूँ जोहरी बाजार में। सुबह मैं मंदिर इस रास्ते से आया था, रावतपाड़ा, और वहाँ पर सेठ गली है, तो समझ लो सेठ गली, रावतपाड़ा और जोहरी बाजार के बीच में खड़ा हूँ। मैंने यहाँ 2-3 लोगों से पूछा कि आगरा की वो कौन सी स्पेशल चाट है जिसको खाने के बाद मैं सालों साल तक याद रखूँगा, तो मेरे को उन तीनों लोगों ने इस जगह भेज दिया चाट खाने के लिए। आलू चाट मैंने अपने लिए बनवा ली है। अब इस आलू चाट को
मसाले तो गजब के हैं, खटास मसालों में ज़्यादा। दूसरा यहाँ के मसालों में जब मैं तीखापन देख रहा था हर जगह की, तीखापन हर चीज़ में ज़्यादा है। कचौड़ी खाओ तो आलू में सब्जी में तीखा ज़्यादा, यहाँ मेरे को तीखा ज़्यादा बिल्कुल नहीं लगा, खटास श्योरली ज़्यादा है इस मसाले के अंदर। अगली चीज ये जो आलू है जो डीप फ्राई किया गया है, इसमें क्रिस्पीनेस फार ज़्यादा है किसी भी और चाट से जो आमतौर पर हम आलू चाट खाते हैं। एक चीज़ और इन्होंने क्या किया, चने जो उबालते हैं उनको भुना है तवे के ऊपर, तो ये चीज़ अक्सर आमतौर पर चाट में नहीं मिलती। चाट में लोग चने उबाल के डाल देते हैं सेपरेटली, लेकिन भूनते नहीं तवे पे। प्लस पनीर के छोटे छोटे पीसेस भी आ रहे हैं सामने बाइट के अंदर। मसाले का रीज़न जो मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पीछे मसाला मंडी है, कम से कम 1700 दुकानें वहाँ पे मसाले की, तो प्रोक्योरमेंट अगर गली के पीछे ही हो रही है तो ऑब्वियस है वैराइटीज तो होंगी होंगी। ओवरऑल गुड टेस्ट, आई एम एंजॉइंग दिस चाट। मेरे को याद है अभी तक पिछले 5-6 महीने के मेरे एक्सपीरियंस के अंदर मैंने जहाँ जहाँ चाट खाई है, इससे प्रीवियस जो बेस्ट चाट का एक्सपीरियंस था मेरा वो था बिशंबर नाथ चांदनी चौक पे। दिस इज इफ नॉट बेटर एटलीस्ट एज गुड एज दैट। मैं इसकी पूरी डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप इस साइड आते हैं तो आप यहाँ पे चाट आके इंजॉय कर सकते हैं। अभी मेरे को आने से जस्ट पहले भाई साहब ने बताया कि शाम को 7 बजे यहाँ पर आते हैं और रात को 10:30-11 बजे तक रहते हैं। ये 3-4 घंटे चाट लगती है इस पर्टिकुलर जगह पे। रात को 11:30 बजे घूमते घूमते वापस आ गए हैं सेठ गली। हैवी डिनर करने का मन नहीं था, प्लस रात को 11:30 बजे कहाँ जाकर क्या एक्सप्लोर करेंगे क्या खाएंगे, तो वापस गंगाराम बसंत लाल सेठ गली चौराहे पे लस्सी का डिनर हो रहा है आज। रॉक सॉलिड प्योर लस्सी है, सिर्फ दही से बनी है, और दही भी वो जो एकदम सुपर गाढ़ा हो, ऊपर काफ़ी सारी मलाई डली हुई है, और बेस्ट पार्ट कुल्हड़ ऑल टाइम फेवरेट। मीठी लस्सी भी रोम है, मेरे को वैसे मीठी लस्सी ज़्यादा पसंद है नमकीन के मुकाबले में। डिनर में तो पहली बार लस्सी पी रहा हूँ आज, तो वैसे कोई चॉइस भी नहीं है, बट आई एम एंजॉइंग दिस। यहाँ पर काफ़ी सारी स्वीट शॉप्स हैं, इनफैक्ट सबके पास कस्टमर रहते हैं, लेकिन मेरे को यहाँ पर थोड़े ज़्यादा कस्टमर नोटिस हो रहे हैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। 6 दिन हो गए आगरा घूमते घूमते, मैं डेली बेसिस पे कहीं ना कहीं पेटा खाता था, लेकिन सेटिस्फैक्शन बोलते हैं वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही थी। तो आज मैं आगरा की सबसे मशहूर और पॉपुलर शॉप में आया हूँ जिसका नाम है पंची पेठा। इस समय मैं हूँ नूरी गेट में, यहाँ पर इनकी काफ़ी पुरानी दुकान है, तो मैं चल के पेठा ट्राई करता हूँ इधर का। मेरे को भाई साहब ने बताया कि 14 तरह की वैरायटीज़ है इनके यहाँ पेठे में, तो मैंने बोला मुझे 5-6 ही दिखा दो, 14 में तो मैं कभी भी खरीद नहीं पाऊँगा। तो 5-6 में इन्होंने बताया कि पान पेठा, चॉकलेट पेठा, सैंडविच पेठा, सादा पेठा, केसर पेठा, ये क्या केसर अंगूरी और कंचा पेठा, कंचा पेठा। अब मुझे ना 2 पैकेट लेने हैं अपने घर के लिए। मुझे लग रहा है मेरे लिए बेस्ट रहेगा पान पेठा और ये सैंडविच पेठा। ये सैंडविच पेठा में क्या करते हो? सैंडविच पेठा में ड्राई फ्रूट की फिलिंग होती है। पेठे के अंदर ड्राई फ्रूट की फिलिंग होती है। पान पेठा इज ऑल्सो गुड, ये मैं 2 ले सकता हूँ। बाहर से तो हल्की सी लेयर है पेठे की, शुगर कोटेड क्योंकि पेठा तो मीठा ही होता है, अंदर गुलूकंद हैवीली पैक्ड है, साथ में पिस्ता। तो 3 चीज़ें लार्जली मुझे समझ में आ रही हैं उसके अंदर, लेयर पेठे की, गुलूकंद और पिस्ता। मुझे भाई साहब ने बताया कि फ्रिज में रखेंगे तो लाइफ इसकी हफ्ता भर है, फ्रिज में नहीं रखेंगे तो 3-4 दिन। अभी बारी है सैंडविच पेठा। ये ज़्यादा सॉफ्ट है पान पेठे के मुकाबले में, इसके अंदर जो जूस निकल रहा है ना स्वीट जूस वो तो गजब का है। अंदर जो फिलिंग की गई है वो काजू पेस्ट है, हालांकि इस तरह की चीज़ मैंने कभी ली नहीं है आज से पहले, तो मेरे लिए एब्सोल्युटली फर्स्ट टाइम टेस्ट है, इन्जॉय कर रहा हूँ मैं। लेकिन गिवन अ चांस मुझे लगता है मेरे को ये पान पेठा एक एक्स्ट्रा ले लेना चाहिए, लेकिन मेरे घर में स्वीट खाने वाले ज़्यादा लोग नहीं है मेरे सिवा, मेरा बेटा खाता है और मैं खाता हूँ, तो मैं 2 ही लूँगा, नहीं तो शायद मैं 2 पैकेट इसके ले लेता। मैंने यहाँ पर मैनेजर से रिक्वेस्ट करी अपनी फैक्ट्री दिखा दीजिए, हमें आइडिया लगेगा कि पेठा कैसे बनता है। ये एग्री कर गए हैं,
हमें वो दिखाने लेके चल रहे हैं। ऐसा जी, ये रूमी पेठा होता है, इसको हम काट करके फिर इसकी गुदाई करते हैं। गुदाई करने के बाद में हम इसको छोटे पीसों में पीस बनाते हैं, इसको फिर हम चूने के पानी में डालते हैं, इसके लिए ये टाइट हो जाए और ये साफ़ हो जाए। फिर इसको तीन चार पानी से इसको धोते हैं, धोने के बाद में हम इसको बॉल करते हैं। बॉल करने के बाद में इसको हम चाशनी लेते हैं, चाशनी लेकर के उसको हम ठंडा करके इसको पेठे के हाथों में लेते हैं और इसको तीन चार घंटा लग जाते हैं इस माल को बनने में। सारा प्रोसेस देखने के बाद मुझे तीन चीज़ें समझ आई हैं। पहली बात कि पेठा जितना बड़ा होगा उतना अंदर का मटेरियल बढ़िया निकलेगा। दूसरी चीज़, शुगर की अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करना। तीसरी बात, बॉइलिंग ऑप्टिमम टेम्परेचर पे करना और ऑप्टिमम समय तक करना। अबव ऑल, जो आगरा का पानी है वो पेठा बनाने के लिए ज़्यादा कामयाब है। इंडिया में पेठा तो बहुत जगह बनता है लेकिन उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता, क्योंकि आगरा के पानी में कुछ तो ऐसी बात है जो पेठे को अच्छा टेस्ट देती है। बाय द वे, जो भी मैंने हाथ में पेठा पकड़ा हुआ है, कम से कम 15 किलो का है, आधा मिनट तो हो गया पकड़े हुए। थैंक यू। आगरा में दो जगह ऐसी हैं जहाँ पर मैक्सिमम फूडीज दिखाई देते हैं, एक है सेठ गली, दूसरा चाट गली सदर बाज़ार। पिछले 6 दिनों के अंदर मैंने दो तीन दिन विजिट दोनों जगह पर करे हैं, काफ़ी लोकल से इंटरेक्ट किया जानने के लिए, काफ़ी उन्होंने मेरे को गाइड भी किया, यहाँ पर नाश्ता करो, यहाँ पर लंच करो। उन्हीं में से 4-5 लोगों ने मुझे बोला कि अगर आप पेठा ट्राई करना चाहते हो पंछी पेठे के अलावा तो आप मुन्ना लाल पेठा वाले पे जाओ, रावतपाड़ा, अगर मैं जगह का नाम गलत नहीं बोल रहा, रावतपाड़ा। तो मुझे बोला गया था आप आगरा फोर्ट स्टेशन के बाहर गाड़ी खड़ी कर देना, अंदर हो सकता है पार्किंग ना मिले, और यहाँ से वॉक करते चले जाना, 5 मिनट में पहुँच जाओगे। तो मैं चलता हूँ वहीं पर। सर, मैं पहली बार आपके पास आया हूँ, मेरे को पेठा चाहिए, कोई क्या सजेस्ट करोगे? आप यहाँ का लड्डू पेठा खा के देखिए, ये गुलाब लड्डू कहलाता है। लड्डू पेठा? हाँ, गुलाब लड्डू पेठा। गुलाब लड्डू पेठा। मैं लड्डू पेठे से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना हैवीली पैक्ड गुलकंद और मेवा होगा इस लड्डू के अंदर। बहुत बढ़िया, ऊपर जो सिल्वर की टॉपिंग थी उससे तो स्वाद भी बढ़िया आ रहा है। 250 रुपये केजी बेचते हैं, जो पैकेट अभी मेरे को इन्होंने दिया था वो हाफ केजी का पैकेट है। इनसे पता लगाता हूँ कि पेठे की लाइफ कितनी है। कितने दिन चल जाता है सर ये? बिना फ्रिज के, बिना कोल्ड के, ठंडा का फ्रिज के रखे बिना 3 से 4 दिन तक ख़राब नहीं होता है। अगर आप उसको फ्रिज में रखेंगे और 8 से 10 दिन 15 दिन तक आप खा सकते हैं उसमें रखकर। 3 से 4 दिन नॉर्मल टेम्परेचर, फ्रिज के अंदर 7 से 10 दिन। आप सर वो पान वाला भी पेठा रखते हैं? अच्छा। ये तो एकदम अल्टीमेट है। इसमें मेरे को गुलकंद के अलावा ना सौंफ का टेस्ट आ रहा है। एक्चुअली में जैसे पान का जो टेस्ट होता है ना, वो टेस्ट है पेठे के अंदर मिठास के साथ, क्योंकि पेठा तो मीठा ही है, जो आउटर लेयर है। टू गुड। इसका क्या प्राइस है सर? तो 125 रुपये का 12 पीस का पैकेट रखते हैं, ये टोल से नहीं देते हम। 12 पीस का पैकेट है, 125 रुपीज़ का, दोनों के एक एक पैकेट घर के लिए बनते हैं। सर वो क्या है, नान कटाई? नान कटाई बनती है ये देसी का। मैदा, बूरा, इलायची पाउडर, देसी घी का मिक्सचर, वेरी नाइस। जैसे वो बिस्किट में कुकीज़ होती हैं ना, तो ये कुकीज़ की सॉफ्ट अवतार है। हालांकि मैंने नान कताई खाई है लेकिन आज कम से कम 2.5 साल के बाद खा रहा हूँ, तो मेरे को याद नहीं लास्ट टाइम जब खाया था तो कैसा टेस्ट या कैसा फ्लेवर था, बट दिस इज़ वेरी नाइस। छोटा सा पीस है, चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ कभी भी खा सकते हैं। मुझे किसी ने बोला आगरा से जाने से पहले बनारसी पान खा के जाना, हरी पर्वत चौराहे पे शॉप है, मेरे सामने होटल सॉलिटेयर है। मैंने आज तक कभी बनारसी पान खाया नहीं है तो मुझे बिल्कुल नहीं पता उसके अंदर क्या होता है क्या नहीं होता, फर्स्ट एक्सपीरियंस। पान खाता हूँ। आज तक मैं मीठा पान खाते आया हूँ तो मेरा पहला एक्सपीरियंस है। मेरे को भाई साहब ने बताया इसको बनारसी पान खाने का तरीका, तो तसल्ली से खाओ, कोई जल्दबाजी मत करो। सही कह रहा हूँ? बिल्कुल ठीक है। तो मेरे को पहले सीखना पड़ेगा बनारसी पान खाते कैसे हैं, बट
ठीक है, अभी तसल्ली से खाने के लिए तसल्ली से जाना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि मेरी 4:50 की ट्रेन है और सिर्फ एक घंटा बचा ट्रेन जाने में, होटल से लगेज भी उठाना है। बट फर्स्ट इंप्रेशन गुड प्लेस, मैंने आपको गुड टेस्ट लोकेशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगर आप संजय प्लेस की तरफ आते हैं या हरी पर्वत की तरफ होते हैं आगरा के अंदर, तो आप बनारसी पान यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। मैं 5 किलोमीटर दूरी से पान खाने आता हूँ मैं सर, और बहुत टेस्टी पान होता है। बाय द वे 5 मिनट मेरे को च्यू करते हुए हो गए हैं, अब मेरे को मजा आ रहा है बनारसी पान का, फर्स्ट एक्सपीरियंस। और मुझे नहीं पता कि एक्चुअली फ्लेवर किस चीज़ का, लेकिन मुझे लगता है कत्थे का फ्लेवर है, ऐसा महसूस हो रहा है मेरे को। पिछले 5-6 दिन मैंने आगरा में काफ़ी अच्छे से इंजॉय किया, स्पेशली रात को 11:30 बजे चाट खाना, जो मैंने आज तक नहीं खाई। यहाँ आने के बाद मुझे मालूम चला कि यहाँ पर लोग डिनर के बाद भी चाट इंजॉय करते हैं, जबकि दिल्ली में ऐसा नहीं होता, चाट डिनर के बाद चाट नहीं होती। एनीवेज, आप बताइए आपके अगर आगरा रिलेटेड कुछ एक्सपीरियंसेस हैं तो हमसे कमेंट्स में शेयर करिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपने ये वीडियो इंजॉय किया होगा। अगर अभी तक आपने विजिट टू एक्सप्लोर को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। सी यू सून।